शराब पीने के लिए सुनीता आहूजा, गोविंदा आहूजा की बीवी। यस, बॉलीवुड के फिल्म स्टार गोविंदा जी की वाइफ सुनीता आहूजा हिंदू नहीं है क्योंकि उन्होंने शराब पीने के लिए धर्म, हिंदू धर्म छोड़ दिया। बहुत शॉकिंग न्यूज है। क्या है ये डिटेल, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गोविंदा जी मेरे फेवरेट एक्टर हैं और आप सभी के भी होंगे, और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने खुद पर्सनली उनको डांस सिखाया है, डांस कोरियोग्राफी की है। ये बात अलग है बिल्कुल कि आज गोविंदा जी का टाइम अच्छा नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गोविंदा जी खुद फिल्में नहीं कर रहे हैं, उनको ऑफर आ रही है। चलिए ये दूसरी बात होगी। गोविंदा जी की वाइफ के बारे में आजकल पिछले एक महीने से गोविंदा जी की वाइफ के बहुत चर्चे हो रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि बिग बॉस में मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, मैं सुपरस्टार की बीवी हूँ, क्या शाहरुख खान की बीवी को आप कॉल करोगे? चलो ये तो सही बात है कि गोविंदा जी सुपरस्टार थे, है और आगे भी काम करेंगे, और उनकी वाइफ को छोटे से बिग बॉस के शो में नहीं बुलाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कौन सी बात है कि मैंने धर्म छोड़ दिया शराब पीने के लिए? ये बहुत शॉकिंग न्यूज है, और ये मैंने कहीं नहीं कह रहा हूं, ये खुद सुनीता जी ने कहा। यस, ये खुद सुनीता जी ने कहा। मेरी पहले काफी टाइम बात होती थी गोविंदा जी से, बात हो रही है, लेकिन वाकई में दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैंने पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। सुनीता जी की मामा की शादी हो रही थी गोविंदा जी के बहन के या दूर के रिश्ते के साथ। उसी शादी में ये दोनों मिले। पहली बार गोविंदा जी ने सुनीता जी को देखते ही प्यार हुआ। इसके बाद शादी हुई, शादी प्रोड्यूसर ने बोला कि इस शादी को 2 साल छुपाओ, तो गोविंदा जी ने इस शादी को छुपाया, साथ में रहे, और बहुत ही अच्छा परिवार है। मैं खुद इनके साथ ट्रैवल कर चुका हूँ, 8-8 दिन साथ में रह चुका हूँ। बहुत एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बॉलीवुड में मैंने हस्बैंड वाइफ का प्यार ऐसा देखा नहीं। लेकिन सुनीता जी बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती है गोविंदा जी को, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं आपको चुभ रहा होगा कि शराब पीने के लिए मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। क्या है सच्चाई इस बात की मैं बता देता हूँ। सुनीता जी बचपन से ही अपने माता पिता की लाडली थी और चुलबुली थी, और वाकई में आज भी वो बिंदास बात करती है, किसी से डरती नहीं है, और यहाँ पे उन्होंने बचपन में भी यही थी। तो उनको 16-17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में वो स्कूल में जा रही थी, और स्कूल में उनको लगा कि वाइन चखनी चाहिए। यस, वाइन चखनी चाहिए, लेकिन उनके परिवार हिंदू धर्म के कट्टर थे, तो वहां पे ये सब नहीं कर सकते, तो चोरी छुपे जाके इन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया सिर्फ वो वाइन पीने के लिए। हालांकि ऐसा ये कहा जा सकता है कि वाइन पीने के लिए धर्म छोड़ना किसी भी हालत में सही नहीं है, बराबर है, लेकिन वो चुलबुली थी उस समय, उनको इतनी समझ नहीं थी, तो उन्होंने ये काम कर दिया। और उसके बाद गोविंदा जी मेरे शादी हुई और बहुत सारी गोविंदा जी के साथ सपोर्ट किया है। आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच मी, बहुत बहुत धन्यवाद।